वेल, अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं अपने ब्राउज़र से जब भी कुछ ओपन करूँ, तो जैसे अगर मैं यूट्यूब का कोई वीडियो ओपन करूँ, तो ये यहाँ पे मैनेजर्स में जाऊँ, पहले मैं ये बताता हूँ कहाँ सेटिंग है, फिर यहाँ पे ओपनिंग लिंक्स। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो मैं अगर अपने ब्राउज़र से ओपन करूँ तो वो पर्टिकुलर उस ऐप में खुले। जैसे अगर मैं यूट्यूब का कोई वीडियो खोलता हूँ तो यूट्यूब में खुले, यूट्यूब वैंस में खुले, तो उसके लिए मुझे क्या सेटिंग्स करनी होगी? और अगर मैं चाहता हूँ कि वो ना खुले, मैं ब्राउज़र में ही ओपन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या सेटिंग्स करनी होगी? उसके लिए कुछ नहीं करना है, तो मैं यूट्यूब वैंस में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम चाहते हो कि मुझे एक्चुअली वीडियोस अपलोड करने, तो वो यूट्यूब वैंस के थ्रू हो नहीं रहे हैं यूट्यूब पे। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं m.youtube.com दबाऊँ, या फिर ऐसे कोई भी इसमें से कोई भी लिंक दबाऊँ, तो यूट्यूब वैंस ओपन ना हो, डोंट ओपन कर दिया मैंने। और अगर मैं चाहता हूँ कि हमेशा ओपन हो, तो ऑलवेज ओपन कर दो। और मैं चाहता हूँ आस्क एवरी टाइम, तो आस्क एवरी टाइम कर दो। तो अब तुम देखो, अब ये मैं यहाँ पे जाता हूँ तो वो पूछेगा कि कहाँ ओपन करना है, ठीक है? तो इससे क्या होगी, मेरे पास चॉइस होगी। तो मुझे हमेशा सेटिंग में क्या करना है, आस्क एवरी टाइम, आस्क एवरी टाइम। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई यूट्यूब का वीडियो देखना चाहता हूँ, मुझे अपलोड नहीं करना है, तो मैं सीधा इस पर क्लिक करूँ और मैं यूट्यूब वैन सुन लूँ, है ना? और अगर मुझे जो है चैनल पे अपलोड करना है, तो मैं सैमसंग इंटरनेट ही चूज़ करूँ, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अपना खुद का चैनल देखना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको चेंज करूँगा, इस पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास चैनल आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। इस अपलोड पे साइन पे क्लिक करो, इंटरनेट सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ चूज़ करो, क्योंकि वहाँ से दिक्कत हो रही थी तो मैं मालूम है। ट्राई आउट द यूट्यूब स्टूडियो ऐप, कंटिन्यू टू स्टूडियो, मुझे एक्चुअली कोई ऐप अलग से नहीं चाहिए, है ना? मुझे कोई अलग से ऐप नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि बस सीधा बस मैं यहीं से सिलेक्ट करके जो है अपलोड कर दूँ। तो इसमें यहाँ पे जाके तुम बेसिकली तुम यहाँ पे होता है बेसिकली, ये फाइल एक्सप्लोरर, इस फ्लाई एक्सप्लोरर में तुम देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये वाला वीडियो है, रैम क्लीनर वाला, तो मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ। अपलोड होना शुरू हो चुका है क्या? इससे क्या फ़ायदा होगा कि तुम्हें अलग से देखो, ये अपलोड होने का साइन है, ये अपलोड हो रहा है, ये देखो ये अपलोड हो गया है, रैम क्लीनर वगैरह ये सब फाइल्स आ गई, ये सब नाम आ गया, ये सब डिटेल्स आ गई, है ना? तुम 10 चीज़ें इसमें अगर तुम करना चाहो तो कर दो, वरना सीधा नेक्स्ट करो। यहाँ पे सबसे कॉर्नर में देखो, ये नेक्स्ट है ना, यहाँ पे नेक्स्ट है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, पब्लिक कर दो। क्या चाहता है ये?